कुंद्रा कुछ ही समय पहले जेल से रिहा होकर घर लौटे थे, लेकिन एक बार फिर से राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि यूं कहें कि राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल राज कुंद्रा ने 2019 में आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनाई थी, जिसके तहत उन्होंने ऐप हॉट शॉट्स क्रिएट करवाया, ये मामला उसी को लेकर ही है। ईडी के मुताबिक राज कुंद्रा ने केनरन नाम की जिस यूके बेस्ड कंपनी को ये ऐप हॉट शॉट्स बेची थी, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ प्रदीप बख्शी की ही थी, उनके साथ राज कुंद्रा की कई सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। साथ ही साथ वियान इंडस्ट्रीज के भी 13 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करोड़ों ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी के मुताबिक ये वो पैसा था जो हॉट शॉट्स के सब्सक्राइबर्स के जरिए कमाया जाता था, और यही पैसा कुंद्रा की अलग अलग कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में सर्कुलेट किया गया। इन्हीं करोड़ों रुपयों के लेन देन के बाद राज कुंद्रा अब ईडी के निशाने पर आ गए हैं। याद दिला दें कि राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को अरेस्ट किया गया था। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को 19 जुलाई 2021 को अरेस्ट किया गया था। राज कुंद्रा के अलावा 11 और लोगों का नाम भी इस केस में शामिल था, जबकि 20 सितंबर को राज कुंद्रा को बेल दी गई थी। जबकि राज कुंद्रा शुरुआत से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते आए हैं और ये कहते आए हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है।